हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं और मैं भी अच्छे ही हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टैक्स ऑडिट का। ठीक है, टैक्स ऑडिट। अब देखिए, टैक्स ऑडिट में हमने 44 एडी में डिस्कस किया था, 44 एडीए में डिस्कस किया था, 44 एई में डिस्कस किया था। ये 44 एडी एडीए या 44 एई क्या था? ये था कि प्रेजम्पटिव इनकम बेसिस जो है वो सेक्शन थे ये सारे के सारे। इसमें क्या था कि इनकम आप 44 एडी में दिखा सकते हैं कि आप 8% या 6%, 44 एई में दिखा सकते थे 7500 पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ, और 44 एडीए में आप दिखा सकते थे कितना, 50% ऑफ द ग्रोस रिसीट्स। उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर आप इनकम कहते हैं कि हमारी इतनी इनकम नहीं है, इनकम हमारी कम है, ज़्यादा दिखाना चाहिए तो दिखा सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि हमारी इनकम क्या है, ये जो 8% 6% या 50% या बाकी 7500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ से कम है, अगर आप कहते हैं ऐसा, तो वहाँ पे क्या था कि टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी था। और 44 ए में क्या था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी जरूरी थी। तो एक तो वो केस हो गया 44 एडी एडीए, और एई में क्या है कि अगर आप प्रेजम्पटिव बेसिस जो है उसे कम इनकम दिखाना चाहते हो तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। और जहाँ पे वो सेक्शन लागू नहीं होते, यानी कि 44 एडी में क्या है कि अगर आपकी ग्रोस रिसीट्स जो है या टर्नओवर है वो 2 करोड़ से एक्सीड कर जाती है, 2 करोड़ से एक्सीड कर जाती है, तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। और दूसरा केस क्या है कि अगर प्रोफेशन जो है 44 एडीए वाला, आपकी ग्रोस रिसीट्स कितनी है, 50 लाख से ऊपर चली जाती है, तो टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। और एई में क्या है कि अगर आपकी व्हीकल की संख्या क्या है कि 10 से एक्सीड चल कर जाती है, तो भी आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो इसमें आइए चलते हैं। एक पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस, वैसे तो कहते हैं कि आपकी जो सेल्स है, टर्नओवर है, रिसीट्स है, वो कितनी है, 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। पर आगे जाके साफ साफ लिखा हुआ है इस बारे में कि अगर कहते हैं कि बंदा 44 एडी में कवर है, 44 एडी क्या था, स्मॉल बिजनेसेस का, जहाँ पे हम 8% 6% इनकम मानते थे, तो 44 एडी में जो लिमिट थी वो कितनी थी, 2 करोड़। तो 44 एडी की अगर बात होती है तो स्मॉल बिजनेसेस की बात होती है। अगर बंदा 44 एडी में कवर होना चाहता है तो क्या है कि उसको क्या है कि आपको लिमिट जो है वो कितनी रखनी पड़ेगी, 2 करोड़ तक। तो 2 करोड़ तक क्या है कि टैक्स ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा, पर करवाना पड़ेगा अगर वो कहता है कि मेरी इनकम कितनी है, 8% या 6% से कम है। यूजुअली जो टैक्स ऑडिट की लिमिट है वो 1 करोड़ है, पर 44 ए डी की बात आएगी तो वहाँ लिमिट कितनी हो जाएगी, 2 करोड़ तक हो जाएगी। फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी, अगर आपकी टोटल सेल्स टर्नओवर बिजनेस की बात हो रही है कितनी है, 1 करोड़ एक्सीड कर जाती है, और प्रोफेशन की बात हो रही है तो वहाँ पे कितनी है, 50 लाख क्रॉस कर जाती है। ठीक है जी, तो ग्रॉस रिसीट्स कितनी है, 50 लाख क्रॉस कर जाती है। तो कोई चीज़ समझनी पड़ेगी आपको, एक 44 एडीए था, ठीक है, उसमें क्या थे कुछ स्पेसिफाइड प्रोफेशंस, स्पेसिफाइड प्रोफेशंस। अगर नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशंस है, नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशंस है जो स्पेसिफाइड नहीं है 44AA सबसेक्शन 1 में, तो नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशंस है वहाँ सीधे लिमिट कितनी है, 50 लाख। 50 लाख क्रॉस कर जाती है तो सीधा क्या है कि टैक्स ऑडिट है। ठीक है, टैक्स ऑडिट है। और वैसे भी क्या है कि अगर वो स्पेसिफाइड प्रोफेशन भी है तो अगर 50 लाख क्रॉस ही कर गई तो 44 एडीए तो लगना ही नहीं, 44 एडीए तो लगना ही नहीं वहाँ पे, तो नॉर्मल प्रोफेशन में ही आ जाएगा वो भी। ठीक है, तो कोई भी प्रोफेशन है, बेशक वो 44 एडीए में कवर है या वो 44 एडीए में कवर नहीं है, अगर टर्नओवर कितनी है, रिसीट सॉरी कितनी है, 50 लाख से ऊपर चली जाती है तो टैक्स ऑडिट करवाना है। अगर 44 एडीए में कवर है वो बंदा तो उसे टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा अगर वो कहता है कि मेरी इनकम जो है वो 50% से कम है, ग्रोस रिसीट्स का क्या है, 50% से कम है, तो उसे टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो बिजनेस और प्रोफेशन में क्या आया, बिजनेस में क्या है कि अगर 44 एडी में वो आता है तो क्या है कि अगर 8% 6% दिखा देता है तो ठीक है, अगर वो 44 एडी में 8% या 6% से कम दिखाता है तो उसे टैक्स ऑडिट करवाना है। ठीक है, या उसकी टर्नओवर क्या है, 2 करोड़ से ऊपर चली जाती है तो उसे टैक्स ऑडिट करवाना है। प्रोफेशन के केस में क्या है, अगर स्पेसिफाइड प्रोफेशन है तो 50 लाख से नीचे है तो उसके पास ऑप्शन है, तो 50% ऑफ इनकम, 50% ऑफ सीट्स क्या है, इनकम दिखा दे, अगर कम दिखाता है तो टैक्स ऑडिट करवाना है। तो बाकी केसेस में क्या है कि सभी केसेस में 50 लाख से ऊपर चला गया तो उसे ऑडिट करवाना है, प्रोफेशन वो स्पेसिफाइड है या नहीं है, क्योंकि 50 लाख से ऊपर उसकी चलेगी ग्रोस रिसीट्स तो 44 एडीए तो लगना ही नहीं है, बात ही खत्म हो जाएगी। और 44 एई में क्या है कि वो 7500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ प्रेजम्पटिव इनकम है, अगर वो उसे कम दिखाता है तो उसे टैक्स ऑडिट करवाना है। ठीक है, 10 व्हीकल से ऊपर चल गए तो टैक्स ऑडिट करवाना है। तो आगे चलिए, पर्सन कवर्ड अंडर सेक्शन 44 ए, 44 BB, 44 BBB, ये सभी क्या है, प्रेजम्पटिव वाले हैं।
ठीक है, प्रेजेंटिव इनकम है तो इनमें भी क्या है कि अगर वो कम दिखाता है तो उसे ऑडिट करवाना है, ठीक है। तो इसमें प्रेजेंटिव इनकम बताई गई है, उसे कम दिखाएगा तो उसे टैक्स ऑडिट करवाना है। फिर कहते हैं ऑडिट जो करेगा कौन, प्रैक्टिसिंग सीए करेगा, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा। और फॉर्म्स क्या हैं, द सेसी इज रिक्वायर्ड टू फर्निश सच ऑडिट रिपोर्ट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म 44 फॉर्म 3CA और 3CB एंड सेटिंग फॉर सच पर्टिकुलर एज मे बी रिक्वायर्ड वाइट फॉर्म नंबर 3CD ऑनर बिफोर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। पेनल्टी, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, पेनल्टी कितनी है कि अगर ऑडिट नहीं करवाया, करवाना था नहीं करवाया, तो टोटल सेल्स या टर्नओवर का या रिसीट्स का आधा परसेंट या फिर क्या है ए सम ऑफ रुपीज 1,50,000 विच एवर इज लेस। मान लीजिए अब किसी की टर्नओवर कितनी है, यह है उसकी 50 लाख, ठीक है 50 लाख है। अब मान लीजिए कि प्रेजम्पटिव इनकम में जो इनकम बन रही थी तो उससे वो कम दिखा रहा है, तो पेनल्टी कितनी लगेगी, 1.5 लाख या आधा परसेंट ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लेस। अब 50 लाख का कितना करेंगे, आधा परसेंट, ठीक है ये कितना आ गया, 1% बन गया, 1% बन गया 50,000, तो आधा बन गया उसका 25,000, 25,000 या 1.5 लाख विच एवर इज लेस, ठीक है जी, क्या कितना बन गया, विच एवर इज लेस, ठीक है जी, तो लेस कितना हो गया इसमें 25,000। पेनल्टी कितनी लगेगी, 25,000। अगर टर्नओवर कितनी है उसकी, 1.5 करोड़, ठीक है तो पेनल्टी कितनी हो जाएगी, 75,000 या फिर 1.5 लाख विच एवर इज लेस, तो कितनी हो जाएगी, 75,000, ठीक है जी। तो हमने जो सेक्शन कवर किए पहले वो कहते 44AD किस चीज़ का था, 44AD था स्पेसिफाइड बिजनेसेस, ठीक है जी, स्मॉल बिजनेसेस हैं वो आगे थे उसमें, वहाँ पे क्या था अगर आपकी टर्नओवर कितनी है, 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो आप क्या करेंगे, जो रिसीट्स है टर्नओवर है उसका कितना मानेंगे, 8% इनकम मान लेंगे। अगर रिसीट्स कैसे आती थी आपको, रिसीट्स आती थी आपको अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक द्वारा, तो इनकम कितनी मानते थे, 6% मानते थे। अगर आप इसे इनकम कम दिखाते हैं तो वहाँ पे कितना था, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जो टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा और बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपरली 44 सबसेक्शन 1 में मेंटेन करनी पड़ेंगी, ठीक है जी। और एडवांस टैक्स कितना है, वो 21 में पिट जाएगा, वो जाएगा कब, 15 मार्च तक। और 44AD किसका था, स्पेसिफाइड प्रोफेशन, स्पेसिफाइड प्रोफेशन किसमें बताए गए हैं, 44AA सबसेक्शन 1 में बताए गए हैं। तो उसमें क्या था कि अगर ग्रॉस रिसीट्स एनुअल जो है वो 50 लाख से ऊपर नहीं जाती तो ग्रॉस रिसीट्स का क्या है, 50% इनकम दिखा सकते हैं। इसमें अगर टैक्स अगर लिमिट कम है, ठीक है, अगर आप इनकम जो दिखाना चाहते हैं 50% से कम दिखाना चाहते हैं तो आपको 44AA में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है और साथ में आपको टैक्स ऑडिट करवाना है। और जो इंस्टॉलमेंट है एडवांस टैक्स की वो एक ही है, वो क्या 15 मार्च तक पे कर सकते हैं। और 44AE में क्या था, वो था व्हीकल जो है अप्लाइंग हायरिंग और लीजिंग, तो उसमें क्या था भाई व्हीकल अप्लाई करता है विषय को हायर पे है, लीज पे है या अपना है, ठीक है, मेन चीज़ क्या मैटर करती है, पोजीशन मैटर करती है। तो वहाँ था 7500 पर मंथ और पर मंथ इनकम लेनी है और व्हीकल्स की संख्या 10 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, बाकी बातें वही हैं। और फिर क्या है कि 44AB हमने कवर किया, ये किसका, टैक्स ऑडिट का। इसमें क्या है कि लिमिट क्या है टैक्स ऑडिट की, 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर चली जाती है तो टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। पर अगर बंदा 44AD में कवर है तो वहाँ तो लिमिट 2 करोड़ है, तो वहाँ पे फिर 2 ही देखेंगे हम, ठीक है। तो उसके अलावा क्या है कि प्रोफेशनल है तो 50 लाख से ऊपर सीट जाती है तो उसे टैक्स ऑडिट करवाना है, ठीक है जी। थैंक यू।